भोपाल से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरदा हादसे पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया है। हरदा हादसे पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का बयान सामने आया है। कहा है कि जरूरत पड़ी तो मरीजों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। एयरपोर्ट पर टीम को तैनात कर दिया गया है और हमारी प्राथमिकता है कि मरीजों को अच्छा इलाज मिल पाए। जरूरत पड़ी तो मरीजों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। एयरपोर्ट पर भी टीम को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, एयरपोर्ट पर भी टीम की तैनाती कर दी गई है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। और आपकी सूचना के लिए बता देता हूं कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स वहां पर पहुंचने वाले हैं, वहां से हम मरीजों को एयरलिफ्ट भी करने वाले हैं और एयरपोर्ट पे भी हमारी एम्बुलेंसेस पहुंच गई है। जितने जल्दी हम उनको हॉस्पिटल में पहुंचा सकते हैं उतना प्रयास करने का मध्य प्रदेश शासन प्रयास कर रहा है। एक डेथ भी बता रहे हैं सामने आई, कैजुअलिटी की बात भी। देखिए अब ये मेरा अभी ये जानकारी नहीं है, जब जानकारी आएगी बताऊंगा। अभी रात कैसे हम मरीजों को तत्काल पहुंचा सकते हैं पूरा ध्यान हमारा उस बात पर है। लिफ्ट किया जाएगा, देखिए अब जितने भी होंगे, जितनी भी क्षमता हमको भारतीय सेना प्रदान करेगी उसके हिसाब से अधिकतम। तो स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कैजुअल्टीज के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्राथमिकता यह है कि जो मरीज घायल हैं, जो जिंदा हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके और न सिर्फ सड़क माध्यम से बल्कि एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है। आर्मी को भी तैनात किया गया है, टीम एयरपोर्ट पर तैनात है और यदि ऐसा लगता है कि मरीजों को एयरलिफ्ट करना है तो यह भी जरूर किया जाएगा, लेकिन समुचित इलाज मिले यह सरकार की प्राथमिकता है। तमाम बातें स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कही है।